नमस्कार वेलकम टू एस जी के जी स्टडीज़ एंड एस 2.22 के जी टू पॉइंट टू टू यूट्यूब चैनल क्लासेस एंड अभी क्या है एक बम्पर अनाउंसमेंट है बम्पर अनाउंसमेंट ये है कि ई में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की दो हजार सौ सेवन चौहत्तर 2674 वैकेंसी निकली हुई है और स्टेनोग्राफर की 185 वैकेंसी निकली हुई है इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है एसएसओ के लिए जो एसएसए एस ए हैं के लिए ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग चाहिए और स्टेनोग्राफर के लिए ट्वेल्थ प्लस प्लस स्टेनो चाहिए सो so, आइए इसको विस्तार से जानते हैं सो so, सबसे पहली बात यह है कि इस एग्जाम को एन टी ए कंडक्ट कर रही है एन टी ए मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फोर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, दो हज़ार छः सौ चौहत्तर ये कोई दो सौ नहीं हो रहा छः सौ भी नहीं हो रहा 700 सात सौ नहीं है ये दो हजार छः सौ चौहत्तर पोस्ट की वैकेंसी है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और वन एटी सेवन वैकेंसी है स्टेनोग्राफर के लिए किसमें इम्प्लॉयिज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में दिस एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड बाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सो so, जो ये सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का पोस्ट है ये ग्रुप सी में आता है पे लेवल में लेवल फाइव में आता है बेसिक सैलरी स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड टू नाइन्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड इन द पे मेट्रिक्स ऑफ सेवेंथ पे कमीशन इसके अलावा uh, अलाउंसेज होते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी सेवन मार्च ट्वेंटी थ्री एंड एंड्स टू ट्वेंटी सिक्स अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो एक्जैक्टली वन मंथ का टाइम दिया गया है ट्वेंटी सेवन मार्च से ट्वेंटी सिक्स अप्रैल तक फी पेबल थ्रू ऑनलाइन मोड बन फी का हिसाब क्या है एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी फीमेल कैंडिडेट एक सर्विसमैन, इनके लिए कोई फी नहीं है इनका फी निल जीरो और बाकी रिमेनिंग जो कैटेगरी है उनके लिए सेवन हंड्रेड रुपीज फी है तो हमें क्या ध्यान में रखना है हमें ध्यान में रखना है ट्वेंटी सेवन मार्च से ट्वेंटी सिक्स अप्रैल के बीच में यह फॉर्म भरना है सो ट्वेंटी सेवन अप्रैल से लेकर के और उसके बाद से क्या है करेक्शन का मौका दिया जाएगा आपको अप्लाई करने का क्या है अप्लाई करने का वन मंथ है जो ट्वेंटी सेवन मार्च से लेकर के ट्वेंटी सिक्स अप्रैल तक है उसके बाद से करेक्शन के लिए ट्वेंटी सेवन अप्रैल से लेकर के ट्वेंटी एट अप्रैल तक का दो दिन करेक्शन के लिए है उसके बाद से एग्ज़ाम का डेट अनाउंस किया जाएगा रिज़ल्ट बाद में डिक्लेयर किया जाएगा स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है इस तो दो स्टेजेज में है स्टेज वन में क्या है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है दैट दैट विल बी कॉल्ड एज फेज़ वन एंड फेज़ टू में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है पहले ही हम बता चुके हैं कि ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग है इसमें सो फेज़ वन में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और फेज फेज़ टू में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है ठीक है जी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है स्टेट वाइज यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है मैं इसका नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं सो so ये स्टेट वाइज पूरा लिस्ट दिया हुआ है किस स्टेट में कितना है ये महाराष्ट्र में फोर दिख रहा है तमिलनाडु में 416 है तो इस तरीके से करके हर स्टेट में है हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है एस के लिए थ्री सीट रिजर्व है एस के लिए 273 सीट रिजर्व है ओ बी के लिए 514 सीट रिजर्व है ई के लिए 529 सीट रिजर्व है अनरिजर्व के लिए ट्रिपल नाइन है सो टोटल कम्स टू 2674। जी हाँ 2674 सिक्स वैकेंसी सीट के लिए वैकेंसी है ये कोई छोटा मोटा अवसर नहीं है इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है एक बात को ध्यान में रखना है कि जो अप्लाई करेंगे जो अपियर करेंगे उन्हीं में से चाहे जितने लोग अप्लाई करें चाहे जितने लोग अपीयर करें उन्हीं में से 2674 लोग एस एस ए बनेंगे तो इसलिए अब अगर एलिजिबिलिटी है प्लीज़ डू अप्लाई प्लीज डू प्रिपेयर प्लीज़ डू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन एक सर्विसमैन का कोटा इधर है एक सर्विसमैन का कोटा स्टेट वाइज अलग अलग कर दिया जाए तो 478 जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन कोटा में है ये 478 वैकेंसी भी कोई कम वैकेंसी नहीं होती है बहुत बम्पर वैकेंसी है ये एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफ़िकेशन मस्ट प्रोसेस द बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द अप्लीकेशन सो क्लोजिंग डेट क्या है आपका अप्रैल में ट्वेंटी सिक्स अप्रैल है सो ट्वेंटी सिक्स अप्रैल से पहले आपके पास बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए टाइपिंग स्पीड आपका थर्टी फाइव होना चाहिए जिनका रिजल्ट अवेटेड है और जिनका रिजल्ट 26 अप्रैल तक नहीं आ पाता है तो वैसे लोगों को अप्लाई नहीं करना है कट ऑफ डेट के अनुसार है ये कोई फायदा नहीं है इसलिए जिनके पास पहले से ही ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है जिनके रिजल्ट और मार्कशीट आपको 26 अप्रैल तक आ जाते हैं वे सब अप्लाई कर सकते हैं बाकी जिनका रिजल्ट अवेटेड है शुड नॉट अप्लाई रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी का मीनिंग होता है यूजीसी से उसको परमिशन मिला हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन मिला हो इसलिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का ही सर्टिफिकेट वैलिड होगा एज लिमिट क्या है 18 ईयर टू 27 सेवन ईयर जो क्लोजिंग डेट है जो 26 अप्रैल डेट है 26 अप्रैल को 18 18 साल से 27 साल के बीच में होना चाहिए ये एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए है इस एज में कुछ रिलैक्सेशन है कैटेगरी कैटेगरी जो हम देखेंगे सो so, जनरल में क्या है 18 साल से 27 साल के वे सारे कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं जो एलिजिबल हैं दे शुड अप्लाई एस सी के लिए फाइव ईयर्स का ग्रेस है एज रिलैक्सेशन क्या है एस सी जो है फाइव ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है सो so, 27 ट्वेंटी सेवन प्लस फाइव ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं OBC के लिए ईयर ईयर का है 27 plus 3, 30 year वाले अप्लाई कर सकते हैं अपर एज लिमिट इज रिलेक्सल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू अपी ईयर इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 40 ईयर अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो अप टू फोर्टी ईयर्स ऑफ एज हैं अप्लाई कर सकते हैं एस सी एस टी के हैं तो फोर्टी फाइव ईयर्स और ओ बी सी एन सी एल के हैं तो फोर्टी थ्री ईयर्स सो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए इसमें स्पेशल कंसिडरेशन किया गया है एक सर्विस मैन का क्या है एक सर्विस मैन का है कि जो जो जिस कैटेगरी में है वो अगर जनरल में है तो प्लस थ्री ईयर जोड़ लीजिए ओ बी में है तो थ्री ईयर एक सर्विस मैन का और थ्री ईयर ओ का और अगर एस सी में है तो थ्री ईयर एक सर्विस मैन का और फाइव ईयर एस सी का तो इतना रिलैक्सेशन इनको एडेड रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन मिल रहा है सो so, एक सर्विस मैन ज़रूर अप्लाई करें

सिलेक्शन प्रोसेस क्या है जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं इनका सिलेक्शन प्रोसेस जो दिया हुआ है वो ये है कि फेज वन में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड होगा थर्टी क्वेश्चन होंगे वन ट्वेंटी मार्क्स का कहने का मतलब कि पर क्वेश्चन जो होगा वो फोर मार्क्स का होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस भी थर्टी होंगे वन ट्वेंटी मार्क्स का क्वांटिटेटिव एबिलिटी है मतलब कुछ मैथमेटिकल इसमें आपको प्रॉब्लम दिए जा सकते हैं वो थर्टी आएंगे और उसमें वन ट्वेंटी मार्क्स का जनरल इंग्लिश विद कम्प्रीहेंशन जनरल इंग्लिश विद कम्प्रीहशन ये फिफ्टी मार्क्स का है और ये फिफ्टी क्वेश्चन आएगा और टू हंड्रेड मार्क्स का है सो so यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेटेज जो दिया गया है वो जनरल इंग्लिश विद कम्प्रीहशन का दिया गया है ऐसा लगता है कि पूरा इंग्लिश ग्रामर को इस कंप्रीहशन के क्वेश्चन में ही टेस्टिंग कर ली जाएगी कंप्यूटर लिटरेसी कंप्यूटर के बारे में जानकारी 10 क्वेश्चन हो सकते हैं और 40 मार्क्स के आएंगे सो so, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और चूंकि पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है इसलिए 600 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स सो टू एंड हाफ आवर्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा टू एंड हाफ आवर्स में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिक्स हंड्रेड मार्क्स के लिए यह फेज वन है इसके बाद से सो फेज वन में क्या दिया हुआ है ईच क्वेश्चन शैल हैं द मार्क्स अपटेंड इन फेज वन विल बी कंसिडर फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑन मेरिट सो फेज वन में जो मार्क्स आएगा उसी के बेसिस पे फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगा दूसरा उसमें कोई मार्क्स ऐड होने वाला नहीं है फॉर ईच रोंग आंसर देअर विल बी ए निगेटिव मार्किंग ऑफ वन फोर्थ ऑफ द मार्क्स असाइनसो एक क्वेश्चन सही होने पर चार मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होने पर वन मार्क निगेटिव मार्क कट जाएंगे वन मार्क कट जाएंगा अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो वन मार्क कट जाएगा इसका मतलब कि चार क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो एक पॉजिटिव क्वेश्चन का वैल्यू लेकर के चला जाएगा ध्यान रखना है ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्क्स जो है निगेटिव मार्किंग में जा रहा है इसलिए तुक्केबाजी नहीं करना है अगर जानते हैं तो आंसर दीजिए नहीं जानते हैं छोड़ दीजिए इंग्लिश कम्प्रिहशन शैल बी ऑब्जेक्टिव अभी हमने देखा कि इंग्लिस कम्प्रीहेंशन जो है वो फिफ्टी uh, क्वेश्चन आएंगे टू हंड्रेड मार्क्स का है वो ऑब्जेक्टिव ही होगा सो टोटल मार्क्स कितने हो गए सिक्स हंड्रेड के हो गए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको फेज टू के लिए वन टेंथ के रेशियो में बुलाया जाएगा कहने का मतलब कि अगर टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फोर वैकेंसी है तो उस पर एक जीरो लगा दीजिए ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे फेज़ वन से फेज टू के लिए फेज टू में कंप्यूटर टेस्ट होगा कंप्यूटर टेस्ट के लिए 26,740 सिक्स कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड कंप्यूटर स्किल टेस्ट में क्या देखेंगे कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आपको स्पीड भी देखना है और एक्यूरेसी भी देखना है स्पीड आपका 35 फाइव एक्सपेक्टेड है सो so, स्पीड भी रहेगा एक्यूरेसी भी रहेगा एक्यूरेसी अगर गड़बड़ होती है तो निगेटिव मार्किंग होती है जो टाइपिंग करते हैं उनको पता है सो so, जो जो ये कंप्यूटर टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का है इसमें पास होना जरूरी है अगर इसमें फेल हो गए तो कहानी फिनिश इसके अगर ज़्यादा मार्क्स ला दिए तो ये मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है मतलब इसको पास होना ही है किसी भी कारण से अगर फेज़ वन का रिजल्ट आ गया आपका फेज़ टू में आप अपियर नहीं हो पाए और चाहे फेस टू में अपीयर होकर के आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो यू आर फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस सो मार्क्स अपटेन्ड विल नॉट बी रिकॉर्ड फॉर मेरिट रैंकिंग अब आइए स्टेनोग्राफर के बारे में देखते हैं सो स्टेनोग्राफर अगेन ही इज ऑल्सो ग्रुप सी लेवल फोर है इनका जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का अभी हमने देखा उनका लेवल फाइव था इनका लेवल फोर है और लेवल फोर का जो पे पेमेट्रिक्स है वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड से शुरू होता है प्लस अलाउंसेज होते हैं सो so, इनका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेम टाइमिंग है ट्वेंटी सेवन मार्च से लेकर के ट्वेंटी सिक्स अप्रैल तक है इसमें भी जो फी है वो एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी उसके बाद से फीमेल कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन के लिए जीरो है बाकी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए सेवन हंड्रेड है ड्यूरेशन फॉर करेक्शन क्या होगा वन डे होगा ट्वेंटी सेवन अप्रैल टू ट्वेंटी एट अप्रैल ठीक है इसके बाद से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसका थोड़ा डिफरेंट होगा पहला तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है एज इट इज दूसरा जो होगा पहले वाले में हम जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले में कंप्यूटर टेस्ट हो रहा है स्टेनोग्राफर के लिए स्टेज टू में स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी सो टेन मिनट्स एट द रेट ऑफ एट्टी वर्ड्स पर मिनट यह आपको प्रैक्टिस होना चाहिए टेन मिनट्स का डिक्टेशन होगा एट द रेट ऑफ एटी वर्ड्स पर मिनट डिक्टेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड सो आता जाएगा गायब होता जाएगा फिफ्टी मिनट्स सिक्सटी फाइव मिनट्स फिफ्टी मिनट का इंग्लिश में दिया जाएगा टाइम और सिक्सटी फाइव मिनट का हिंदी में टाइप दिया जाएगा यह भी कंप्यूटर टेस्ट ही होगा सो so, जो लोग शॉर्ट हैंड जानते हैं आशु लिपि जानते हैं वे ही लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं सो so, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की टोटल वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की टोटल वैकेंसी 185 है देखिए ये 185 टोटल वैकेंसी है इसमें अन रिजर्व सेवेंटी फोर ई डब्ल्यू एस नाइनटीन एस सी ट्वेंटी एट एस टी ओ बी सी फिफ्टी सो टोटल वन एटी फाइव है जिसमें से एक सर्विस मैन के लिए एटीन रिजर्व है सो so, वन एटी फाइव वैकेंसी कोई कम वैकेंसी नहीं होती है स्टेनोग्राफर के लिए तो इनके जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होंगे इनके भी दो फेज़ होंगे फेज़ वन में ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये भी टू टू आर्स टेन मिनट का होगा ये टू आर्स टेन मिनट का होगा टू हंड्रेड क्वेश्चनस होंगे एट हंड्रेड मार्क्स का होगा सो so, इसमें क्या है टू हंड्रेड कोशनस होंगे टू आवर्स टेन मिनट्स के लिए और मैक्सिमम मार्क्स जो है एट हंड्रेड मार्क्स है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में फिफ्टी क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस फिफ्टी क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रियन हंड्रेड क्वेश्चन फोर हंड्रेड मार्क्स सो इंग्लिश लैंग्वेज का वेटेज यहां पर बहुत हाई है हमें लगता है हमें इंग्लिश लैंग्वेज का अलग से क्लास लेना पड़ेगा सो ईच क्वेश्चन शैल हैार्क्स ईच सारे क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे रॉन्ग आंसर के लिए वन बाई फोर्थ वन फोर्थ रॉन्ग आंसर के लिए वन फोर्थ मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे टोटल एट हंड्रेड मार्क्स का होगा जो फेज़ वन का जो रिजल्ट निकलेगा वो टेन टाइम्स निकलेगा टेन टाइम्स जितने वन एटी फाइव अगर हैं तो अट्ठारह सौ पचास रिजल्ट निकलेगा फेज़ टू में क्या होगा स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी होगी स्टेनोग्राफी का कोई हिंदी में क्या बोलते हैं आशू लिपि बोलते हैं शॉर्ट हैंड बोलते हैं सो कैंडिडेट्स हुर शॉर्ट लिस्टेड इन फेज़ वन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफी डिक्टेशन टेन मिनट्स एट द रेट ऑफ एटी वर्ड्स पर मिनट ये डिक्टेशन हो गया और आपको टाइम दिया जाएगा 50 मिनट्स स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर सो इसका भी स्किल टेस्ट जो स्टेनोग्राफी का है इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है मेरिट लिस्ट में जो फेज़ वन का मार्क्स है वही मैटर करेगा लेकिन जो लोग फेज वन क्लियर कर चुके हैं अगर फेज टू में अपियर नहीं होते या फेज़ टू क्लियर नहीं करते इन दोनों कंडीशन में वो स्क्रीन आउट हो जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस से इसलिए फेज जो फेज़ वन क्लियर करते हैं उनको फेज़ टू में अपीयर भी होना है और पास भी होना है तभी जा करके मेरिट लिस्ट में उनको कंसीडर किया जाएगा यह आपका रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है ये मैं पूरा पीडीएफ डाल देता हूँ उसमें सो आपको ये आराम से इसको पूरा पढ़ लेना है नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद से तब जा के एप्लीकेशन फिल करना है ये जि, ये जितने भी मटेरियल हम डाल रहे हैं सब एस जी के जी स्टडीज पर डाल रहे हैं आप एस जी के जी स्टडीज को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट और बाकी रिमेनिंग ये जनरल इंग्लिश के बहुत से मटेरियल ये सारे मटेरियल एस जी के जी टू पॉइंट टू टू हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है यहां पर जाकर के आप इनका स्टडी कर सकते हैं जब चाहें है, तब स्टडी कर सकते हैं ये हमारा एस जी के जी स्टडीज़ यूट्यूब चैनल है इसमें ये सारे प्ले लिस्ट हैं और ये दूसरा हमारा एस जी के जी टू पॉइंट टू टू चैनल है और ये सारे प्ले लिस्ट हैं मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के साथ तब तक के लिए प्लीज़ हरी अब जल्दी सताईस मार्च से लेकर के छब्बीस अप्रैल के बीच में अप्लाई करना है अप्लाई करना है प्रिपरेशन करना है कंपीट करना है पास होना है नौकरी पकड़नी है ये अच्छा सुनहरा ये बहुत ही सुनहरा मौका है इस मौके को जाने नहीं देना यूं ही नहीं खोने देना है बहाने नहीं ढूंढना है बार बार ऐसे गोल्डन चांस नहीं आते हैं लगभग तीन हजार टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फोर तो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का हो गया और वन एटी फाइव जो है स्टेनोग्राफर का हो गया So, लगभग तीन हज़ार पोस्ट की वैकेंसी है इसको अगर आपने ठीक से प्रयास किया लगन से आपने प्रयास किया तो इसमें आप मेरिट लिस्ट में आएंगे और आपको अच्छी नौकरी मिलेगी प्रयास कीजिए भगवान का नाम लेकर के मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए नमस्कार